हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन विद हितेश सर। एंड इन टुडेज वीडियो लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ टिश्यू चैप्टर क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड। ओके स्टूडेंट, सो इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे अगेन बायो के फर्स्ट चैप्टर के, टिश्यू चैप्टर के। ओके, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है और काफ़ी सारे इसके एमसीक्यू होंगे और अभी मैं लिख रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट 32 MCQs. सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट MCQ. स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड स्टडी। टिश्यूज की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, टिश्यूलॉजी और हिस्टोलॉजी। इसका राइट आंसर है हिस्टोलॉजी, सी। ओके, टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यूलॉजी में कन्फ्यूज नहीं होना है, मोस्ट स्टूडेंट्स ने क्या करना है, टिश्यूलॉजी में कन्फ्यूज हो जाना है, लेकिन राइट आंसर है हिस्टोलॉजी। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। सेल्स का ग्रुप जो एक कॉमन फंक्शन करता है, ठीक है, काफ़ी सारे, एक मान लो एक सेल है 2, 3, 4, काफ़ी सारे सेल्स हैं जो मिलके एक कॉमन फंक्शन करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, यही चैप्टर है हमारा और इसका ही आंसर है टिश्यू। ओके, वेरी गुड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच हैव कैपेसिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। ठीक है, सेल्स का सिमिलर सेल्स है, एक जैसे सेल है, जैसे फर्स्ट सेल होगा वैसे सेकंड सेल होगा, और कैपेसिटी उनकी क्या है कि वो डिवाइड कर देते हैं, 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से आगे फिर डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे, ये भी डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कौन से सेल्स हैं? तो इनका राइट आंसर है, देखते हैं पहले ऑप्शन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, नहीं, परमानेंट इशू, नो, परमानेंट इशू बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो इसका राइट आंसर है बी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, राइट आंसर इज बी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, भूलना मत। ओके, फोर्थ क्वेश्चन से जाने से पहले हम एक पिक्चर, एक डायग्राम है वो डिस्कस कर लेते हैं। जी, किसकी डायग्राम है बच्चों? स्टूडेंट्स, जी डायग्राम है टिपिकल डायग्राम ऑफ न्यूरोन। न्यूरोन को नर्व सेल भी बोलते हैं, ठीक है, नर्व सेल ब्रेन में होता है हमारे, कहाँ होता है? ब्रेन में, न्यूरॉन या नर्व सेल। इसकी पिक्चर में क्या क्या है, ये जो लाइनिंग दिख रही है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। सेंटर में इसका बिग ओवल शेप का क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, किसी सेल का भी ब्रेन, ये पूरा कंट्रोल करता है सेल को। ये वाली चीज सेल बॉडी, और ये सारी चीज को बोलते हैं साइटोन, मीन्स अंदर वाली सेल बॉडी को बोलते हैं साइटोन। ठीक है, सेल बॉडी को ही साइटोन बोलते हैं। ओके, सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। ओके, क्लियर। फिर इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक्सन एंड एक्सन टर्मिनल, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, यहाँ पे साइटोन बोला था, सेल बॉडी को बोलते हैं, एंड एक्सन। क्लियर, गुड। अब इसके बेस पे आएंगे उसे एमसीक्यूज, वो भी कर लेते हैं। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में? ये प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है, प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स कौन ट्रांसफर करेगा? फर्स्ट ऑप्शन वेस्कुलर टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड द राइट आंसर इज वेस्कुलर टिश्यू। एंड वैस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं प्लांट में? जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों क्या है? वैस्कुलर टिश्यू है। जाइलम क्या करता है? जल लेके जाता है, जाइलम फॉर जल एंड फ्लोएम फॉर फल, फल मींस फूड। क्लियर, कैसे याद करना है इसको। फिफ्थ क्वेश्चन, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया था न्यूरॉन, ब्रेन सेल, इसकी सेल बॉडी को क्या बोलते हैं? क्या बताया था मैंने? साइटोन। ये तो बिल्कुल याद होगा आपको, साइटोन इज द राइट आंसर, गुड। सिक्स्थ क्वेश्चन, मसल्स फाउंड इनसाइड द हार्ट। हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं क्या कहते हैं उनको? देखते हैं कौन से हैं। स्मूथ मसल्स हैं? नो। कार्डियक मसल्स हैं? यस, कार्डियक मसल्स।
कार्डियो मसल्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं जो हमारे हार्ट के अंदर होते हैं, हार्ट वॉल्व जिससे बनी होती है कार्डियो मसल्स, ये क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। क्या हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में है, जो हम हमारा जो हार्ट पंप कर रहा है कंट्रोल में है हमारे, नहीं, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, सो इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। ओके, बट अभी क्या पूछा था कि हार्ट के अंदर कौन से मसल्स होते हैं, तो उसका राइट आंसर है बी, कार्डियक मसल्स। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक को। ओके गुड, सो आंसर इज बी, कार्डियक मसल्स। सेवंथ क्वेश्चन, पैरेन्काइमा सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है, तो पैरेन्काइमा सेल है जिसके अंदर क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, तो उसको बोलते हैं, देखते हैं क्या आंसर इसका, ए क्लोरेन्काइमा, बी कोलेन्काइमा और सी स्क्लेरेन्काइमा। तो इसके ऑप्शन में ही इसका आंसर किया मैंने, देखो क्लोरो यहाँ भी क्लोरो, तो इसका आंसर है ए क्लोरेन्काइमा। क्लियर, यही इससे पता चल जाएगा क्लोरिन जहाँ से आ जाएगा, क्लोरिन क्लोरो, बाकी किसी में नहीं है, ये कोलेन है, ये अलग चीज है, ए ऑप्शन क्लोरिन काइमा। एट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। स्टेम्स एंड रूट्स की जो ग्रोइंग टिप है, मान लो ये रूट है, इसकी जो ये वाली टिप है, इस पर कौन से सेल्स होते हैं, जब मान लो कोई स्टेम में ऊपर ऊपर ग्रो कर रहा है तो ऊपर कौन से सेल्स होंगे, ऑप्शन देख लेते हैं, इंटरसेलुलरी मेरिस्टम्स, लेटरल मेरिस्टम्स और एपिकल मेरिस्टम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है एपिकल मेरिस्टम्स। एपिकल होती है, वर्ड आया अपेक्स से, अपेक्स, अपेक्स मीन होती है चोटी, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर वाला कॉर्नर, ठीक है, अपेक्स, तो उससे ये वर्ड आया एपिकल। सो एपिकल मेरिस्टम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होता है एपिकल मेरिस्टम, हमारी रूट्स एंड स्टेम में होता है, जो ग्रोथ में डेवलप करता है, रूट और स्टेम इससे ग्रो करेंगे और ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। क्लियर, वेरी गुड। नाइन्थ, अब यही उसका पिक्चर में दिखा देता हूँ, ये रूट और स्टेम है, ठीक है, ये रूट है, रूट के जो रूट कैप है और इसके नीचे क्या है, एपिकल मेरिस्टम, जो अभी हमने किया था। सो ग्रोइंग टिप पे क्या चीज है, एपिकल मेरिस्टम। क्लियर, वेरी गुड। नाइन्थ क्वेश्चन, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस को ट्रांसफर करने में कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। स्टिमुलस क्या होता है, जो हमारी फील होती है, जैसे कि हम उनको कोई थप्पड़ मारता है, जब पिंच करता है हमारी बॉडी पे, किसी ने पिंच किया तो हमें फील होगा, वो कौन फील कराएगा, देखते हैं ऑप्शन में, नर्वस टिश्यू फील कराते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कराते हैं या परमानेंट टिश्यू कराते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए नर्वस टिश्यू। ओके, नर्वस टिश्यू कौन से होते हैं, जो हमारे ब्रेन में होते हैं, वही टिश्यू हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं। ओके, न्यूरॉन्स, बट ब्रेन में अलग होते हैं थोड़ा, फिर नर्व थोड़ी हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, चेन पूरी बनती है नर्वस टिश्यू की, तो वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टिमुलस के लिए। स्टिमुलस पता चला क्या होती है, जो हमारी कोई इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है। ओके, जैसे स्मेल आ गई, खतरनाक स्मेल आ रही है, कोई डॉग की डेथ हो गई है, बॉडी बर्न हो रही है, कि कहीं आग लग गई, स्मेल आपको आई, फ्रेग्रेंस आई, वो सारे स्टिमुलस हैं, आपको कहीं थप्पड़ मारा, आपको पिंच हुआ, आपको दर्द हुआ, पेन, सब कुछ। क्लियर, ए इज द राइट आंसर, नर्वस टिश्यू। टेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन और मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर है बी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट टिश्यू। इनमें से कौन सा प्लांट टिश्यू है, इट मीन्स दो ऑप्शन होंगे जो एनिमल टिश्यू होंगे और एक होगा प्लांट टिश्यू, तो हमने फाइंड आउट कौन सा करना है, प्लांट टिश्यू फाइंड आउट करना है, इसमें प्लांट टिश्यू कौन सा है। पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू, बी मेरिस्मेटिक टिश्यू, सी नर्वस टिश्यू। अब देखो नर्वस टिश्यू क्या हमारे ब्रेन में होता है, ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में होता है, सो ये क्या है, एक प्ले एनिमल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी को क्या करता है, अभी पढ़ा हमने, प्रोटेक्ट करता है, एनिमल टिश्यू है, तो राइट बी इज द राइट आंसर, मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज ए प्लांट टिश्यू। क्लियर, वेरी गुड। 12th क्वेश्चन,
टिश्यू दैट कैरीज ऑक्सीजन एंड अराउंड योर बॉडी, ठीक है, वो वाला टिश्यू जो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारी बॉडी के, पूरी बॉडी के अराउंड, ठीक है। सो ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, क्लियर, ठीक है, पता है आपको हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है सारी जगह, आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है, कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं है, नर्वस टिश्यू भी नहीं है, राइट आंसर इज ब्लड टिश्यू। ओके, ब्लड हमारी बॉडी में HB जो होता है ना, हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी हमारी बॉडी में, उतने ज़्यादा हम वर्क करेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी हमारे अंदर। अगर HB कम हो गया तो हम क्या करेंगे, वीक फील करेंगे, जैसे जान ही नहीं है हमारे अंदर। सो ब्लड टिश्यू क्या करता है, ब्लड टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरी ऑक्सीजन अराउंड योर बॉडी। हमारी बॉडी में कौन सारी का ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, ब्लड टिश्यू। 13th, टिश्यू दैट ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट्स इन एनिमल्स, वो वाला टिश्यू जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स कराता है, ठीक है। मूवमेंट्स कौन कराएगा, नर्वस टिश्यू, नो, ये तो हमारा सोचने का काम करते हैं, स्टिमुलस का। कनेक्टिव टिश्यू, ये तो अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, ये भी रॉन्ग। सो सी इज द राइट आंसर, मस्कुलर टिश्यू, ये मूवमेंट कराते हैं। मसल्स देखिए ना, हमारे सारी बॉडी में मसल्स ही हैं, मसल्स की वजह से हम मूवमेंट कर रहे हैं। अगर मसल्स ही नहीं होंगे, हड्डियाँ ही होगी तो मूवमेंट नहीं होगी। ओके, सो चाहे कोई पतला भी है, कोई मान लो कि पतला भी है इंसान, उसके अंदर भी क्या है, हड्डियों के अंदर थोड़ा बहुत मसल्स हैं, दिखते कम है लेकिन हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 14th क्वेश्चन, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब फूड कौन लेके जाता है, मैंने बताया था फल, फल किससे बना था, फ्लोएम से, याद है, अभी बताया था मैंने। सो फ्लोएम फॉर फल, सो फूड ट्रांसफर कौन करेगा, फ्लोएम, डायरेक्ट आंसर लगाना है ये, बिना सोचे, ठीक है, थोड़ा सा सोच लेना, बिल्कुल भी मत बिना सोचे मत कर लेना, ठीक है। सो फूड कौन हमारी बॉडी में पहुंचाता है, सॉरी हमारी बॉडी में नहीं, प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम। और फ्लोएम क्या करता है, नीचे भी ट्रांसपोर्ट करता है और ऊपर को भी, बहुत डायरेक्शन में करता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। अब वाटर कौन ट्रांसफर करता है, ये भी बताया था मैंने। जल किससे बताया था, जल जाइलम, ठीक है, बताया था ना। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जाइलम, क्लियर, वेरी गुड। 16th, टिश्यू दैट स्पोर्ट्स एन एनिमल्स बॉडी, एनिमल की बॉडी को सपोर्ट कौन करता है, मस्कल टिश्यू, ये तो मूवमेंट कराते थे, ब्लड टिश्यू ऑक्सीजन कैरी करते थे, बचा ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे भी ये भी मेथड है फाइंड आउट करने का, मान लो आपको नहीं पता है कि कौन सा टिश्यू सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, नहीं पढ़ा आपने सपोज, तो आपने ये तो पढ़ा है ना कि मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं हमारी बॉडी को मूवमेंट में कराते हैं, ब्लड टिश्यू क्या करते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाते हैं, तो इन दोनों को कर दो निग्लेक्ट, क्रॉस कर दो, और जो बचा दैट इज द राइट आंसर, क्लियर, वेरी गुड। काफ़ी सारे ट्रिक्स हम सीखेंगे कैसे MCQ करने हैं, ठीक है, बड़ा इजी काम है MCQ करना। ओके, 17th, टिश्यू इन विच सेल्स हैव हेयर लाइक सिलिया, ठीक है, हेयर लाइक सिलिया ऐसे ऐसे हैं, किस टिश्यू में, ऑन देयर सरफेस, किस सरफेस में, देखते हैं सिलिया देखते हैं। सो सिलिया वर्ड देखो, सिलिया ऑप्शन में देखो कहीं सिलिया है, वेस्कुलर में सिलिया नहीं है, कनेक्टिव में सिलिया नहीं है, सो दोनों गलत। आंसर सही क्या आया, ए सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। अगर क्वेश्चन का नहीं पता, कुछ नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सिलिया किस में आया था, सिलिएटेड एपिथेलियम में। सो टिश्यू इन विच सेल्स हैव हेयर लाइक सिलिया ऑन देयर सरफेस इसको किस में होता है, वो सिलिएटेड एपिथेलियम, क्लियर, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, एक और मैंने बात आपको बतानी थी, ये चैप्टर के MCQ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, वेरी लेंथी चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी। सो इसकी वजह से क्या आ गया, MCQ मैंने 32 तो बनाए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि और भी बनेंगे, मे बी 20 MCQ और बने। और अगर आपको लगे कि हाँ ये भी हमें वीडियो चाहिए, मोर 20 वीडियो MCQ की, तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। और क्या चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर इतने इनफ है आपके लिए तो ठीक है, अगर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है, देन मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही सिलिया है, ठीक है, जो मैंने बताया था,
सिलिएटेड एपिथेलियम ऐसा होता है, और ये इसके देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है छोटी छोटी, ओके सिलिया, इसको सिलिया बोलते हैं, क्लियर। नाउ 18th क्वेश्चन, विच टिश्यू ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन टू मसल, बोन को मसल के साथ कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है? ऑप्शन देख लेते हैं, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज। तो इसका राइट आंसर है ए, टेंडन। टेंडन क्या करते हैं, एक बोन को कनेक्ट करते हैं मसल्स के साथ, ठीक है, बोन टू मसल कनेक्ट करते हैं टेंडन। फिर लिगामेंट क्या करते हैं, लिगामेंट करते हैं बोन टू बोन, ठीक है, इसका लिगामेंट क्या बताता है, लिगामेंट करते हैं बोन टू बोन। अगर बोन टू बोन आए तो लिगामेंट बोलना है, अगर बोन टू मसल आए, बोन और मसल को कौन ज्वाइन करता है, देन टेंडन, क्लियर। इसकी पिक्चर मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखो ये बोनी अटैचमेंट है, बोन है, ये मसल है, ठीक है, ये हमारे मसल्स हैं, ये क्या है, बोन है। इन दोनों को अटैच कौन कर रहा है, ऐसे अटैच हो रहे हैं यहाँ पे आके, देखो यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, कौन कर रहा है अटैच, टेंडन, क्लियर, वेरी गुड। 19th क्वेश्चन, विच टिश्यू इज फाउंड इन फाइबरस कवरिंग ऑफ कोकोनट, कोकोनट की फाइबरी कवरिंग में कौन सा टिश्यू होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्क्लेरन काइमा, बी ऑप्शन स्क्लेरन काइमा। 20th क्वेश्चन, इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट फाउंड इन, अब इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, तो कौन से होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम आइस ब्लिंक कर लेते हैं बट कई कई बार क्या खुद ही हो जाती है, हमारे आइस के अंदर जो आई बॉल है वो अपनी शेप चेंज करता है, जब लाइट उस पर पड़ती है ना तो श्रिंक कर जाता है, अगर अंधेरा हो तो बड़ी हो जाती है आइज, तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं, सो आयरस होता है आइज में, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर हार्ट में जो होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, हार्ट वाले भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने आप ही हार्ट बीट चलती रहती है, सो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, टंग। टंग को हम ट्विस्ट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, कहीं कुछ दांत में फंस जाए वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग, सो बी टंग इज द राइट आंसर, ये इनवॉलेंट्री नहीं है, ठीक है, नोट बोला यहाँ पे, नोट ध्यान रखना इसको, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर करने हैं, क्लियर। नाउ 21st, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटन इज कॉल्ड, ठीक है, साइटन से एक लंबी सिलेंड्रिकल एक सिलेंड्रिकल पीस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसका राइट आंसर है, देखा कभी न्यूरॉन सेल बताया था ना मैंने, साइटन उसमें क्या था, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स क्या थे, ये ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर, ठीक है, पतली पतली, और ऑप्शन क्या बचा, एक्जन, सो एक्जन था वो वाला, ठीक है, ऐसे ऐसे बना होता है तो ऐसी वाली लंबी जो चीज थी ये एक्जन था, ठीक है, गुड। सो 21st का आंसर है एक्जन। 22nd, पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन द विच रीजन ऑफ द प्लांट, प्लांट के किस रीजन में पेरेन्काइमा मिलता है हमें, रूट्स में मिलता है, स्टेम्स में मिलता है, जस्ट सी ऑल, सो आंसर है ऑल, सारे ही बॉडी पार्ट्स में, सॉरी सारे ही प्लांट्स के पार्ट में पेरेन्काइमा हमें मिलेगा, क्लियर। नाउ 23rd क्वेश्चन, इन नर्व सेल इज ऑल्सो नोन एज, अब नर्व सेल को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं, नहीं ये तो किडनी वाले थे, ठीक है, एस्क्रीटरी में पढ़ा था ना हमने, तो किडनी वाले नेफ्रॉन्स थे, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स इज द राइट आंसर, बी बी न्यूरॉन्स, नर्व सेल को न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ब्रेन सेल, ठीक है, ब्रेन सेल, क्लियर, वेरी गुड। ये फिर देख लो डायग्राम एक बार, ठीक है, ये एक्सन बताया था मैंने, सिलेंड्रिकल चीज निकल रही है यहाँ से, न्यूरॉन है, इसको क्या बोलना है, नर्व सेल भी बोलना है, ठीक है, ब्रेन सेल भी यही है, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं,
क्लियर। तो ऐसे पिक्चर सारे याद करने, एक से ही सारे क्वेश्चन याद कर लेने। अगर ऐसी प्रोजेक्शन आ जाए, ऐसा कुछ नाम हो, तो वो डेंड्राइट्स बता देना है। सेंटर में क्या है इसके, न्यूक्लियस है। सो 5 MCQ बना सकते हैं इससे, तो बट आपको डायग्राम याद करनी है। 24th क्वेश्चन, द ब्लड विदाउट रेड कॉर्पसल्स, ठीक है, कॉर्पसकल्स। सो क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के बिना जो ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं, RBC के बिना, विदाउट RBC प्लाज्मा बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, या मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है लिम्फ, ठीक है, बी लिम्फ, लिम्फ 24th का आंसर। 25th, वैस्कुलर बंडल्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो किसके बने होते हैं, फ्लोएम एंड वेसल्स के, जाइलम एंड फ्लोएम के, या कोरिनकायमा एंड जाइलम के। तो इसका राइट आंसर है बी, जाइलम एंड फ्लोएम के, ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स। और वैस्कुलर बंडल्स का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर, ठीक है, फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम, वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जाइलम, ठीक है। काफी बार बता दिया मैंने आपको, टिप्स पे होना चाहिए एग्जाम से पहले सारा कुछ। अब जाइलम कंसिस्ट ऑफ ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ए, जाइलम में क्या क्या होता है, जाइलम में देखते हैं, जाइलम में एक तो होते हैं वेसल्स, यस, ट्रैक शीट्स होती हैं, फाइबर्स होती हैं, एंड जाइलम पेरेन्काइमा। सो ये पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, ये बिल्कुल आपने ऐसे ही सीरीज में याद करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं जाइलम में। और फ्लोएम में क्या होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ये देखो जाइलम एंड फ्लोएम दिखा देता हूं पिक्चर, ये जाइलम वेसल है, ये फ्लोएम वेसल है। अब इसमें डायग्राम में एक चीज़ देखो, जाइलम में सिर्फ एरो ऊपर को आ रहे हैं, फ्लोएम में ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, इट मींस जो वॉटर है या मिनरल्स है जो रूट से जाएंगे, पानी नीचे जमीन से मिलेगा ना, तो नीचे से सिर्फ ऊपर को ही फ्लो होगा, ऊपर से नीचे को फ्लो नहीं होगा। बट फूड कहाँ बनता है प्लांट्स का, फूड तो बनता है लीव्स में, ठीक है। अब लीव्स तो ऊपर होती हैं, तो फूड हमें नीचे तक भी चाहिए, इसलिए फूड जहीं पर भी बनेगा, किसी भी कॉर्नर में बन जाए प्लांट के, वो इधर उधर सारी जगह ऊपर नीचे जा सकता है, क्लियर। सो जाइलम सिर्फ एक डायरेक्शन में ऊपर ही, यूनिडायरेक्शन है, फ्लोएम बोथ डायरेक्शन, क्लियर, गुड। अब फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ है, फ्लोएम में क्या क्या होता है, फ्लोएम का भी ए आंसर है, एक तो दिए सीव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है, ये भी इसका ही ऐसे कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स, क्लियर। ब्लड इज ए, अब ब्लड क्या है, मस्कुलर टिश्यू है, नहीं, नर्वस टिश्यू है, नहीं, नर्वस टिश्यू कौन सा था, नर्व सेल, ठीक है, न्यूरॉन। मस्कुलर टिश्यू कौन सा था, ये भी आपको बताया, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू का काम क्या था कि मूवमेंट कराना। तो ब्लड क्या है, ब्लड मूवमेंट थोड़ी कराता हमारी बॉडी में। सो इसका राइट आंसर है बी, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करता है, ठीक है, पूरी बॉडी तक हमारे ब्लड जाता है। 29th, मोमेंट ऑफ द पैसेज ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय, ठीक है, जो मूवमेंट होती है हमारी हमारी फूड पाइप में, फूड पाइप को क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर किया था ना, मैं पढ़ा था ना फूड पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था चैप्टर में, 6th क्लास में, इस क्लास में नहीं। सो मूवमेंट जो होती है पेरिस्टाल्टिक फूड पाइप की, जो मूवमेंट होती है फूड यहाँ से जो नीचे आ रहा है, तो उसको वो मूवमेंट कौन कराता है, कार्डियक मसल्स कराते हैं, नहीं, ये तो हार्ट में होते हैं, अनस्ट्रेट मसल्स या स्ट्रेट मसल्स, तो ये भी नहीं कराते हैं, ये अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, इसको स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, स्मूथ मसल्स, तो कुछ भी आ सकता है, अनस्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स, ये आंसर होगा बी, ठीक है। नाउ 30th क्वेश्चन, टू बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अब देखो, पहले मैंने बोला था बोन्स को मसल्स के साथ कौन कनेक्ट करता है, तो उसका आंसर था टेंडन, ठीक है। अब क्वेश्चन आया है कि बोन को बोन के साथ कौन कनेक्ट करता है, टू बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर मीन्स बोन को बोन के साथ कौन कनेक्ट करेगा, तो क्या बताया था मैंने तब, लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट। सो बी इज द राइट आंसर, लिगामेंट।
अब कार्टिलेज के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। कार्टिलेज क्या होता है? बोन ही होती है बट सॉफ्ट बोन होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सॉफ्ट बोन क्या है, तो क्या बताना आपने? कार्टिलेज। कार्टिलेज होती कहाँ है? अगर क्वेश्चन आ जाए वेयर इज द कार्टिलेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो कार्टिलेज होती है हमारी नाक में। नाक हमारा मोल्ड हो जाता है ना, किसी थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं इसको, तो कान में क्या होता है हमारे, सॉरी नाक में, नाक में कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज बोन होती है हमारा कान। कान को ट्विस्ट कर दो, टीचर्स करते हैं ना ट्विस्ट, पूरा घुमा देते हैं कान पकड़ के, तो वो उसमें भी क्या होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, बट अभी पूछा था टू बोन्स कैसे जुड़ती हैं, तो लिगामेंट आंसर। सो एमसीक्यू बहुत सारे बन सकते हैं, जितने मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उससे डबल भी बन सकते हैं। तो अगर और एमसीक्यू चाहिए इस चैप्टर के तो कमेंट जरूर करना, ओके, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। और नाउ 31st, ये ओ क्या है? ये मैच दी कॉलम है। तो मैच दी कॉलम देखते हैं फर्स्ट, हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? बताया था ना स्टार्टिंग में ही। तो हिस्टोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। सो इसका सही है ऑप्शन। मेरिस्टम्स, मेरिस्टम्स क्या था, कहाँ पे मिलते थे? पढ़ा था हमने एपिकल मेरिस्टम्स, तो कहाँ मिलता था वो? ग्रोइंग टिप ऑफ रूट, रूट की ग्रोइंग टिप पे मिलता था। थर्ड कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स मैंने बताए थे कहाँ मिलते हैं? हार्ट में, तो इसका है हार्ट। फिर वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स में कहने क्या बताए थे? जाइलम एंड फ्लोएम। सो सीधे मैंने सारे ऑप्शन रखे, मैंने इसे ट्विस्ट नहीं किया है इनको, ठीक है, शफल नहीं किया है, ताकि आपके थोड़ा इजी हो जाए याद करना, बट एग्जाम में आपको शफल होके ही आएंगे, वो ऐसे नहीं आएंगे। न्यूरॉन्स क्या हैं? न्यूरॉन्स में क्या होते हैं? एक्सन एंड डेंड्राइट्स होते हैं। एक्सन क्या थे? एक्सन ये वाली लंबी वाली स्टिक थी। डेंड्राइट्स क्या थे? जो ऐसे ऐसे वाला राउंड बना था, इसके ऊपर ऐसे जो निकली थी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। और ये बता देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो ये मसल्स हैं। मसल्स को बोन के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है? मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है टेंडन। मसल्स को बोन के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है? टेंडन। ओके, बट मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करेगा टेंडन, बट बोन को बोन के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है? वो कर रहा है लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट, लिगामेंट बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है, मसल्स को लिगामेंट के साथ कनेक्ट करता है, सॉरी मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है टेंडन। क्लियर, ये होता है लिगामेंट, ये होता है टेंडन। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक, एंड कमेंट। कमेंट करना मत भूलना, जो भी आपको अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, जो चाहिए जो नहीं चाहिए, सही मेथड लग रहा है नहीं लग रहा है, सब कुछ कमेंट करो। ठीक है, एंड टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, ताकि आप जब नेक्स्ट वीडियोज़ बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में बताता था कौन सी होगी, वो होगी केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री के जो भी आपके चैप्टर हैं उनकी वीडियोज़ होगी एमसीक्यू की। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो, सी यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।